हे गाइस, जय माता दी। मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल में आप लोगों का। मैं नीतू कुमार। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में, रिव्यू करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट अपने स्किन के लिए बेस्ट है कि नहीं है, ये सब जानेंगे। और इस प्रोडक्ट को किस टाइप से लगाना है, यूज करना है, क्या क्या इसके इंग्रीडियंट्स है, किस तरीके से ये अपने स्किन के लिए सेफ है कि नहीं है। देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो, खरीदने की सोचते हो, अपने स्किन पे लगाने वाले हो, तो उससे पहले आप लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम अपने स्किन पे लगा रहे हैं, ठीक है। स्किन अपनी बहुत ज़्यादा अनमोल होती है, तो स्किन पे लगाने से पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि आपके लिए ये क्रीम, आपके लिए ये प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप जब भी खरीदो, जब भी कुछ भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, लगाने की सोचते हो, तो उससे पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। उनको बता दीजिएगा कि मेरे स्किन पे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ सलाह जरूर देंगे। अगर डॉक्टर से भी नहीं पूछ रहे हो तो आप उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, जैसे कि किसी वीडियो के जरिए या फिर किसी के जरिए या किसी ने लगाया है ये प्रोडक्ट, तो उनको पूछिएगा कि प्रोडक्ट अपनी स्किन के लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा, क्या तेरे स्किन पे क्या प्रॉब्लम थी तभी तूने यूज़ किया, तो क्या आप तुझे रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला। ये सब जानकारी लेकर ही आप अपने स्किन पे लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा, ठीक है। जब भी आप अपने फेस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो उससे पहले आप अपने हाथ पे लगा के देख लीजिएगा या फिर यहाँ पे लगा के देख लीजिएगा। अगर आपकी स्किन पे कोई जलन, खुजली या फिर जैसे दाने नहीं आ रहे, तभी आप पूरे फेस पे अप्लाई कीजिएगा, वरना मत यूज करिएगा अपने पूरे फेस पे, तो ठीक है। तो अब जानते हैं कौन सी स्किन पे लगाया जाता है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो जान लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट का नाम है बुलुमा एडवांस नाइट क्रीम है। इस टाइप की पैकेज में मिलेगी, इस टाइप का ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम कौन सी स्किन पे लगा ही ये जान लेते हैं। तो ये नाइट क्रीम है। अगर आपके स्किन पे मेलास्मा है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है या फिर आपके स्किन पे हल्के ब्राउन वाले या फिर ब्लैक वाले दाग धब्बा बन चुका है, देखो किसी के, देखो मेलास्मा इस टाइप के होते हैं जो कि हमारे चिक के ऊपर या फिर नोज के ऊपर इस टाइप के मतलब ब्लैक से धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारे स्किन पे हम इसको इस तरीके से रगड़ते हैं तो एक्ने हमारे बाहर आ जाते हैं, स्किन से बाहर आती है ना एक्ने, तो वो हमें इस तरीके से हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें मेलास्मा भी हुआ है क्या, क्योंकि वो अपने स्किन पे ही ब्लैक सा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, लेकिन हमें छूएंगे उसको तो कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा। जब हम अपने फेस को देखेंगे ना, तो वो हमारा फेस इतना भद्दा दिखेगा ना कि हमने अपने फेस पे ये क्या हो गया हमारे फेस पे, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। तो अगर आपके इस तरीके की प्रॉब्लम हो रखी है, आपके स्किन पे ब्लैक स्किन हो चुकी है, देखो तेज धूप में घूमने की वजह से अक्सर हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है, और तेज धूप में घूमने की वजह से हमारी स्किन पे पसीने, मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और गर्मी के सीजन में ये सब ज़्यादा देखने को मिलती है। धूप की वजह से हमारी स्किन मतलब डार्क सर्कल आ जाता है, फाइलाइंस आ जाती है, तो उस सब को ये स्किन को रिमूव करके, उस सब मैल को, गंदगी को हटा के अपनी स्किन को ये ब्राइटनिंग करता है। तो ये प्रोडक्ट अपनी स्किन को ब्राइटनिंग करता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का काम क्या है, अपनी स्किन को ब्राइटनिंग करने में वर्क करता है। तो काफ़ी लोग होते हैं वो गोरे होने के लिए इसका यूज करते हैं। तो गाइस, आप अगर गोरे होने के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज करते हो, तो आप इसको गोरे होने के लिए तो आप बिल्कुल ना खरीदें। अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये प्रॉब्लम है आपकी स्किन पे, तो आप जरूर यूज करिएगा। तो ये आपकी स्किन को, उसको लाइट करने में, जो डार्क स्किन हो रखी है उसको लाइट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते। अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको प्लीज़ यूज ना करिएगा, क्योंकि केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। वैसे तो ये डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन मैं तो एक ही सलाह दूंगी कि अगर आपकी स्किन बेस्ट है, अच्छी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसका यूज ना करें। एक्ने पिंपल्स के अक्सर हमारी स्किन पे मार्क्स हो जाते हैं, दाग धब्बा बन जाता है, एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, उसको हम रिमूव करते हैं, हम रिमूव करने की सोचते हैं, तो आप बेलुमा एडवांस नाइट क्रीम लगा सकती हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आप लगा सकते हो। तो कब कैसे क्या लगाई वो भी जान लेते हैं, और इसके इंग्रीडिएंट्स भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं इसके इंग्रीडिएंट्स। मैकाडामिया ऑयल है इसमें, आलमंड ऑयल है इसमें, काकाडू प्लम है इसमें, मतलब इस तरीके के इंग्रीडिएंट्स है इसमें, और काफ़ी अच्छे इंग्रीडिएंट्स तो है गाइस, लेकिन आपके स्किन पे अगर प्रॉब्लम है तो ही इसका यूज करेगा, वरना मत यूज करेगा। आपकी स्किन को लाइटनिंग करने में, ब्राइटनिंग करने में, आपके उस दाग को, मेलास्मा,
पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन है उसको लाइट करने में मदद करता है। तो इसको लगाना किस टाइप से वो जान लेते हैं, कब क्या कैसे लगाना। देखो नाइट में, ओनली नाइट में लगाना है, नाइट क्रीम है तो इसको नाइट में लगाना है, डे में बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप सोचो कि इसको डे में भी यूज करें कि तो डे में आप बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। आपको अपनी स्किन पर किस तरीके से लगाना है, तो अपनी स्किन को पहले उसको वॉश कर लीजिएगा, मतलब क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन करने के बाद जहाँ जहाँ आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ पर आप इसको लगा लीजिएगा। अगर आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई करना चाहते हो, स्किन पर पूरे फेस पर ही आपके इस तरीके की प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप पूरे फेस पे अप्लाई कीजिएगा। अगर पूरे फेस पे इस तरीके की प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप पूरे फेस पे अप्लाई ना करें। जहाँ जहाँ आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है वहीं वहीं पे ही आपको लगाना है, और 15-20 दिन तक आपको रेगुलर लगाना है। आप इसको 15-20 दिन मतलब 1 मंथ तक भी आप इसको लगा सकते हो, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं गोरे होने के चक्कर में 2 मंथ 3 मंथ लंबे समय तक लगाते हो, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलती है। तो प्लीज़ गाइस, आप इसको लंबे समय तक यूज भूल के भी यूज ना करें, और डॉक्टर की सलाह लेकर तो आप जरूर यूज करिएगा, ऐसे यूज ना करें। क्योंकि मेरा तो यही कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर से बढ़कर कोई भी नहीं है, और डॉक्टर के बिकर आप इसका यूज ना करें, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है तो ही आप इसका यूज करिएगा। और जानते हैं इसके साइड इफेक्ट, तुरंत साइड इफेक्ट मैंने बताया कि अगर आप इसको प्रोडक्ट को अपने फेस पे लगा रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उससे पहले आप अपने हाथ पे लगा के दीजिए, देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे लगा के दीजिए। तुरंत साइड इफेक्ट यही है कि आपकी स्किन पे रेड से दाने आ जाते हैं, आपकी स्किन एकदम रेड हो जाती है, आपकी स्किन पे खुजली चलना स्टार्ट हो जाता है, आपकी स्किन पे ब्लैक ब्लैक सी स्किन हो जाती है, चक्कर आना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप प्लीज आप पूरे फेस पे अप्लाई ना करें। बाद का साइड इफेक्ट ये है कि लंबे समय तक आप यूज करोगे तो ही आपके स्किन पे इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बस 15-20 दिन तक लगा लीजिएगा, या फिर 25 डेज तक भी लगा सकते हो, लेकिन आप इसको लंबे समय तक यूज ना करें। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं इस वीडियो को। और आई होप इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी सी भी जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा अगर आप लोग भी इस क्रीम का यूज किए हो, आपको क्या रिजल्ट मिला है, किस तरीके का रिजल्ट मिला है, क्या सच में ये अपनी स्किन से ये सभी को रिमूव करता है कि नहीं करता, ये सब जानकारी आप मुझे कमेंट के द्वारा दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि मुझे इस तरीके का रिजल्ट मिला है, ठीक है गाइस। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, और जिन्होंने वॉच किया है इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।